हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मूवीज कार्ड पर। तो आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन हॉरर मूवीज की लिस्ट। वैसे इसके अलावा ऐसी कई सारी लिस्ट वाली वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। और सबसे जरूरी बात कि मैं जितनी भी मूवीज और सीरीज की लिस्ट आपके लिए लाता हूँ, ये सारी की सारी ऑफिशियली हिंदी में डब होती है। और आज की भी ये फिल्में ऑफिशियली हिंदी में डब है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं आज की ये वीडियो। लिस्ट में नंबर 5 पर मूवी है ब्राइट बर्न। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 और 74% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। मूवी में कहानी दिखाई गई है कपल टोरी और काइल की, जिनको एक स्पेस शिप में एक छोटा बच्चा मिलता है। ये दोनों इस बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालते हैं और उसका नाम रखते हैं ब्रैडन। कुछ दिनों तक तो सब सही चलता है, पर जब ब्रैडन 12 साल का होता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कई सारी सुपर पावर्स हैं और अब वो अपनी सुपर पावर्स को गलत तरीके से और गलत कामों के लिए यूज करने लगता है। तो ब्रैडन ऐसा क्यों कर रहा है, वह कौन है, उसका अस्तित्व क्या है और वह इस दुनिया के लिए किस प्रकार से खतरा बन जाएगा, ये सारी की सारी डरावनी कहानी आपको इस मूवी में देखनी है। मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। लिस्ट में नंबर 4 पर मूवी है हैप्पी डेथ डे। ये 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई थेरेसा नाम के कॉलेज स्टूडेंट की, जिसकी उसके जन्मदिन वाली रात को ही हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद अब थेरेसा एक प्रकार के लूप में चली जाती है, जहां वह अपनी हत्या वाले दिन को बार बार जीती है। मतलब कि जैसे ही थेरेसा मरती है तो फिर से वही बीत चुका दिन शुरू हो जाता है और थेरेसा फिर से मरती है, दिन फिर से शुरू होता है और ऐसा लूप चलता रहता है। पर इसी लूप के दौरान थेरेसा अपनी हत्या करने वाले का पता लगाकर अपनी हत्या को रोकना चाहती है। और अब ये कैसे होगा, ये सब तो आपको मूवी में देखना है। मूवी का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है। लिस्ट में नंबर 3 पर मूवी है द मीडियम। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और 85% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। ये एक साउथ कोरियन थाई मूवी है, जिसमें कुछ ऐसे लोगों की कहानी दिखाई गई है जो थाईलैंड के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में रहने वाले निम नाम के एक जादूगर की डॉक्यूमेंट्री लिखने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुँच कर इनमें से कुछ लोग एक अजीब शक्ति का मीडियम बन जाते हैं। थाई के लोगों का मानना यह है कि यह सब उनकी देवी की शक्तियाँ हैं। देवी किसी को भी अपना मीडियम बना सकती है और बहुत सारी चीजें मूवी में मिस्टीरियस वे में दिखाई गई। इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है रन। ये 2020 में आई एक हॉरर थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 और 80% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। मूवी में कहानी दिखाई गई डेन नाम की एक ऐसी महिला की, जो एक प्रेमेश्योर बच्ची को जन्म दे रही है। वह बच्ची को जन्म से ही अस्थमा, डायबिटीज सहित कई सारी अलग अलग बीमारियां हो रही और इन्हीं कारणों के कारण वह बच्ची कभी स्कूल नहीं जा पाती और उसकी माँ घर पर ही उसकी स्कूलिंग करती है। सब ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी एक दिन उस लड़की को अपनी माँ के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। तो क्या है ये डार्क सीक्रेट्स और अब कैसे ये अपनी माँ के डार्क सीक्रेट्स को रिवील करेगी, उन्हें इन्वेस्टिगेट करेगी, ये सब आपको मूवी में देखना है। मेरे स्टोरी लाइन बताने से शायद आपको ये मूवी कुछ खास ना लग रही हो, पर रियली में मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है द इनविजिबल मैन। ये 2020 में आई एक हॉरर थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और 80% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। मूवी में कहानी दिखाई गई सिलिलिया नाम की एक लड़की की, जिसका एक बॉयफ्रेंड उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। वह सिलिलिया को दिखाई नहीं देता, पर कैसे, क्या वह मर चुका है, क्या उसकी आत्मा सिलिलिया को परेशान कर रही है, क्या है इसके पीछे का रहस्य और सिलिलिया कैसे इसका सामना करेगी, ये सब बेहद डरावना होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त मूवी है, इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। यदि आज की लिस्ट तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।